हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीपीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी। सोमवार को 18 कोरोना पॉजिटिव, 2 की हुई मौत, 10 हो गई संख्या मृतक की, संक्रमित की संख्या 365। जिलाधिकारी ने शहर में बढ़ते संक्रमण को लेकर कड़े निर्णय का दिया संकेत। प्रथम चरण में जिला के सभी मॉल सहित बड़ा बाजार, दोनार, बेता, दरभंगा टावर का प्रभावित इलाका सील के साथ सख्ती। दोनों मॉल पहले से ही है सील, शेष मॉल बंद करने का आदेश। बिना मास्क पहने निकले तो खैर नहीं, शहर से लेकर गांव तक में सख्ती। मास्क के जुर्माना के साथ गाड़ियों का जुर्माना भी लगेगा। दुकानदार की गलती पर दुकान बंद करने का आदेश। बात कोरोना से ही करेंगे। कोरोना का कहर है और इस कहर में सबसे पहले खबर कोरोना का ही देना जरूरी। इसी के तहत हम बता रहे हैं कि सोमवार को जिले में 2 मौत से कोरोना से हड़कंप। 2 मौत हो गई, 10वीं मौत हुई। और ये मौत अगर हम कहें तो ये 3 माह में नहीं हुई है। 6 तारीख ही था 6 जून जब पहली मौत हुई थी और 6 जुलाई। इस एक महीने में 10 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है दरभंगा में, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही जिले में 18 संक्रमित मिलने से इसकी संख्या हो गई 365 दरभंगा के जांच के आधार पर। पटना का जांच इसकी संख्या अलग है। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। सोमवार को भी इसका कहर हथौड़ा बरसता रहा। जिले में 18 कोरोना संक्रमित मिलने से संख्या हो गई 365। और सबसे दुखद खबर ये कि जिले में 2 लोगों की मौत हो गई, एक सदर प्रखंड की और दूसरा बहेरी की। सदर प्रखंड के जो कोरोना संक्रमित थे दरभंगा अस्पताल में, उसकी मौत हुई, जबकि बहेरी का संक्रमित पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1 सप्ताह से अधिक से संघर्ष कर रहा था। वहां पति पत्नी दोनों पॉजिटिव थे, जिसमें पत्नी की मौत हो गई और 30 वर्षीय महिला कोरोना से ग्रसित पाई गई थी। कोरोना का कोहराम किस तरह है यह इससे पता चलता है कि 31 दिसंबर को मनहूस दिन जब विश्व में इसका जन्म हुआ, 30 जनवरी को भारत आया, 22 मार्च को बिहार आया, 27 अप्रैल को दरभंगा आया। कोरोना 27 अप्रैल एक माह तक दरभंगा के लोगों ने रोके रखा, लेकिन धीरे धीरे जब अप्रैल माह समाप्त हुआ तो इसकी संख्या 1 दर्जन भी नहीं थी। मई समाप्त हुआ तो लोगों ने काफी मशक्कत करने के बाद लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 के तहत 100 भी संख्या नहीं पुरने दी और 1 मौत नहीं होने दी। ये कोरोना का इतिहास बता रहे हम। और जून महीना जब आया तो कहर बनना यहीं से शुरू हुआ। इसको समझिए, बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है कोरोना के कोहराम, कोरोना के कहर को जानिए। जून महीना जब आया तो इसकी संख्या 300 के आसपास पहुंच गई, यानी जून में लगभग 200 मरीज। और सबसे आश्चर्य और दुखद बात ये कि इसमें 6 लोगों ने दम तोड़ दिया, कोरोना से जंग हार गए और इसकी संख्या 6 में 3 दरभंगा शहर की। अब आइए स्थिति जुलाई की। 6 दिन में 4 मरीज मौत के आगोश में जा चुके हैं। जुलाई में 1 जुलाई को 1 मौत, 3 जुलाई को 2 मौत और 6 जुलाई को 2 मौत। और इसमें 1 दरभंगा शहर के, 1 सिंहवाड़ा, 1 बहेरी और 1 दरभंगा सदर का, तो यह 4 मौत। और अगर मौत का आंकड़ा हम जोड़ें तो पहली मौत जो सिंहवाड़ा प्रखंड की थी, ताड़ी प्रखंड में 2 मौत हुई थी, ये 6 जून को शुरू हुई थी। तो 1 महीने में कोरोना ने अपना रूप दिखा दिया है दरभंगा में। जहां 100 मौत पूरे बिहार में है, 10 मौत दरभंगा जिला में है, ये कोरोना का कहर है। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना ने कितना धीरे धीरे कोहराम मचाना शुरू किया। लोग अनदेखी करते चले गए और लॉकडाउन 1 और अनलॉकडाउन 2, इसमें कोरोना को भी रास्ता मिल गया, उसने भी अपना जगह बना लिया। ये है कोरोना का कहर। हम आपको बता दें कि सोमवार को 18 संक्रमित मरीज मिलने से इसकी संख्या 365
65 पहुंच गई है, जिसमें 5 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये जांच में पाए गए। इसके बाद दरभंगा शहर के 1 मरीज हैं, ये स्थिति है। 365 का आंकड़ा, जबकि 300 का आंकड़ा नहीं पहुंचा था जून में। ये 6 दिन में 65 का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ और 4 मौत, ये बहुत बड़ी खबर। जुलाई महीने के 6 दिन में 4 मौत। जो 18 संक्रमित मिले हैं दरभंगा में सोमवार को, उसमें आपको बता दें, दरभंगा सदर में 1, बहादुरपुर में 1, हनुमान नगर में 5, बेनीपुर में 2, जाले में 4, DMCH में 5, जबकि पहले 347 संक्रमित, और इस तरह संख्या हो गई 365, और 2 लोगों की मौत हो गई कोरोना के कहर से। और 2 ऐसी मौत हुई है जिसमें कोरोना की जांच नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि यहां भी कोरोना का कहर हो। तो विधिवत 10 लोगों ने दम तोड़ दिया है, और कई लोगों शिकार तो हुए लेकिन विधिवत नहीं कहा जा सकता है। ये कोरोना का कोहराम है, ये अपडेट है सोमवार तक का दरभंगा का। शहर में बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने कई स्टेप लिया है। सभी मॉल के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। बड़ा बाजार जो दरभंगा टावर का क्षेत्र है, बेता का प्रभावी क्षेत्र है, दोनार का प्रभावी क्षेत्र है, और 2 मॉल जहां कर्मचारी संक्रमित मिले थे, ये 6 जगह दरभंगा शहर में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सख्ती से पालन करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया। प्रथम चरण में महापौर और नगर विधायक उप महापौर की उपस्थिति में जिला पदाधिकारी ने उनके विचार भी जाने और अंततः यह निर्णय लिया। लेकिन यह निर्णय अंतिम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो और कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। मालूम रहे कि कंटेनमेंट जोन को सील करने का अधिकार, सीमा निर्धारित करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास है। ऐसी परिस्थिति में अगर पहला कंटेनमेंट जोन छोड़ दें, जो मिर्सिकार टोला और सोभन का एक साथ हुआ था, और दूसरा जो गौड़ा बड़ाम का था, 3 कंटेनमेंट जोन को छोड़ दे, तो उसके बाद दायरा सीमित कर दिया गया। लेकिन उसका नाजायज फायदा ये हुआ कि लोग इसकी अवहेलना करने लगे और संक्रमण का दायरा बढ़ता गया, ग्राफ उछलता गया, और शहर पर कहर के बाद अंततः जिला पदाधिकारी ने महापौर, नगर विधायक, उप महापौर एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ विमर्श किया, उनकी राय जानी और एक स्टेप उठाया है। समझा जाता है कि 2 से 3 दिन में अगर और ग्राफ बढ़ेगा तो कड़े निर्णय ले सकते हैं जिला पदाधिकारी। कोरोना के शहर में बढ़ते संक्रमण को देख जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने समीक्षात्मक बैठक की। तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, जिसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बिरौल से शामिल थे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर बैजंती देवी खेड़िया, उप महापौर बदरू जमा खां के साथ उन्होंने बैठक की। उनसे स्थिति का भी जायजा लिया, पता किया कि क्या स्थिति है। इसके बाद लोगों से सुझाव मांगे, लोगों ने सुझाव दिया, उसके उपरांत निर्णय लिया गया कि जो संक्रमित क्षेत्र है, जो बड़ा बाजार का एक पार्ट, दरभंगा टावर का एक पार्ट, दोनार का एक पार्ट, और बेता जहां मौत हुई थी वहां का एक पार्ट, 2 मॉल जहां कर्मचारी पॉजिटिव निकले थे, इसके अलावा अन्य मॉल को भी सील करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर वाहनों एवं दुकानों की चेकिंग की जाए, सभी समारोह पर नजर रखी जाए, COVID-19 से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को प्रमुखता दिया जाए, शादी समारोह व अन्य समारोह के लिए निर्धारित 50 से ज़्यादा लोग एक जगह सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाते हुए आते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सभी थाना प्रभारी भी इसमें शामिल थे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि जो आदेश का उल्लंघन है उसमें, उसके तहत 54 प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया है, 19 वाहन जब्त किए गए, 64 लोगों से 98,500 रुपये की वसूली की गई है। उन्होंने कहा कि यह अभियान और तेज होगा। जो व्यक्ति बिना मास्क के सड़क पर पाए जाएंगे उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना राशि वसूली जाएगी। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि स्थिति गंभीर है, उनका घर बड़ा बाजार में है और वहां भी कई संक्रमित मिले हैं, यहां भी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे वह बोलते इससे पहले ही उप महापौर बदरू जमा खां ने कहा कि आप बेता की भी चर्चा करें। नगर विधायक ने कहा कि मैं बेता क्या दोनार की भी चर्चा करूंगा, दोनों में तीखी बहस भी हुई। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने कहा
कि सोने चांदी की सभी दुकानों को बंद कर दिया जाए। सोने चांदी के दुकानदारों का संबंध नेपाल से है और वहां से भी कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है और 2-3 दिन में स्थिति नहीं संभली तो आगे और कड़े सख्त नियम बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम स्थिति देखें मुजफ्फरपुर, मधुबनी और समस्तीपुर में, तो शहर की स्थिति हम बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, उससे ठीक है, लेकिन हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए, संक्रमण को रोकना है। गांव में यह ज़्यादा नहीं फैले और शहर में जागरूक रहना है, लेकिन हम लोग जब कड़ाई करते हैं तो जनप्रतिनिधि ही आक्षेप लगाते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का साथ चाहिए और आम लोगों का साथ चाहिए। कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव उपाय करने का उन्होंने आश्वासन दिया। नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बैठक में उपस्थित सभी थाना प्रभारियों को कहा कि आप सघन चेकिंग अभियान चलाएं, इस अभियान में अपना योगदान दें, बिना मास्क के कोई नहीं निकले, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां नहीं उड़े, बाजार में भीड़ जमा नहीं हो, सावन का महीना है, शिवालयों में भी भीड़ नहीं जमा हो, सोशल डिस्टेंस का पालन हो, यह सुनिश्चित किया जाए। चार करवाए थे, चार करवाए थे सर, पूरे सर। जहाँ पर भी कंटेनमेंट जोन का आवश्यकता हो या डेड बॉडी का कर सकते, जनप्रतिनिधि सभी लोगों का सहयोग से हो और लोगों को समझा बुझा के करवाने में मदद प्रसाद के आजादा इतना ही है। और किसी को कोई बात कहना कहें तो जिलाधिकारी किसी को कुछ कहना होगा। घर से बिना मास्क लगाए बाहर निकलते हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है। 50 रुपया फाइन सरकार ने तो किया ही है, लेकिन गाड़ियों पर अलग से फाइन लगाया जाएगा। दुकानों पर अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, दुकानें बंद की जाएगी, गाड़ियां जब्त की जाएगी और आपको अन्य प्रावधान भी आप पर लागू किए जा सकते हैं। जिला पदाधिकारी ने कड़ा निर्देश दिया कि 100% मास्क लगाना सुनिश्चित करें। अब भी समझिए, यहाँ भीड़ मत लगाइए, यहाँ जब आप भीड़ लगाएंगे तो श्मशान और कब्रिस्तान में भी भीड़ बढ़ेगी, जगह कमेगी। ये कठोर शब्द है लेकिन एक सत्य है, एक संकेत है कि आप समझ जाइए। हमेशा लोग मौका देते हैं, ईश्वर भी मौका देता है, प्रशासन को निकलना पड़ा है कठोर कार्रवाई करने के लिए। आप देखिए कि किस तरह से ये गाड़ी वाले बिना मास्क के आराम से घूमकर कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं। नगर निगम जिला पदाधिकारी के कड़े निर्देश के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी नगर निगम ने लगातार चेकिंग की और फाइन काटना शुरू किया, दुकान बंद करवाना शुरू किया। यह संकेत है कि आप समय रहते संभल जाइए, अन्यथा ये भीड़ यहाँ नहीं कब्रिस्तान और श्मशान में दूर से दिखेगी, नज़दीक आपके कोई जा ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। ये कहर है कोरोना का, समझना होगा। मार्च और अप्रैल में कहर था, मई में लोगों ने हल्के से लिया, जून में खुलेआम लोग शादी विवाह और पार्टी करने लगे, साड़ियां सजने लगी, दुकानें सजने लगी, कॉस्मेटिक की दुकानें भी खुलेआम खुलने लगी और चाट भी लोग खाने लगे। कोरोना यही मौका देख रहा था और अंततः 2 मौत सोमवार को हुई है, 10 मौत दरभंगा में हुई है। ये कहर है, 1 महीने में 10 मौत, 6 जून से 6 जुलाई तक बिना मास्क लगाए और ये फाइन करते, आप समझ जाइए। और मास्क को टाई जैसा नहीं लगाइए, मास्क को मास्क जैसा लगाइए, 1 सेकंड भी नाक और मुंह से नीचे मास्क नहीं आए। कोरोना के कहर को समझिए, राजनीति की धार भले ही हो लेकिन जिंदगी की धार को महत्वपूर्ण मानिए। ये गाड़ियां एम्बुलेंस का रूप न लें, आपको एम्बुलेंस पर सवार होके अस्पताल न जाना पड़े और एम्बुलेंस से सवार होकर आपके परिजन को या आपको श्मशान और कब्रिस्तान न आना पड़े। ये एक ऐसा शब्द जिसे बोलने में हिचकिचाहट तो हो सकती है, लेकिन कई इससे गुजर चुके हैं। सब उठाने वाले नहीं मिलते, अपने भी पराए हो जाते हैं, ये दरभंगा का हाल है। सिटी मैनेजर स्वयं निकले निगम कर्मी के साथ, थाना प्रभारी की टीम निकली, बताया समझाया, आप लाखों की गाड़ी खरीद कर बिना मास्क किस तरह घूम रहे हैं, थोड़ा तो शर्म कीजिए, थोड़ा तो लिहाज कीजिए, थोड़ा नियम को भी जानिए, खुद बचिए, स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, कोरोना के कोहराम को तो समझिए। बीटीएन न्यूज बार बार वो दृश्य दिखा रहा था जिसमें लोगों ने
सूनी सड़क रख कर अपना योगदान दिया, उसे धूमिल मत कीजिए। दिन के उजाले में हो या शाम के अंधेरे में, ये देखिए पूरा बाजार सजा हुआ है। लोहिया चौक का यह दृश्य है, लोहिया चौक का यह हाल है। लोग भूल रहे हैं कि यहाँ कोरोना का कोहराम है, बगल में मौत हो रही है, कितने संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन बेखबर कहीं चाट की दुकानें, कहीं चिल्ला चिल्ला कर फल बेचे जा रहे हैं, कहीं सजी है कपड़े की दुकानें, कहीं लोग आराम से बिना मास्क के टहलते हुए जा रहे हैं। आधे से अधिक लोग बिना मास्क के, ऐसे में स्थिति आप समझ सकते हैं कि कोरोना क्यों ना पांव पसारे आपके शहर में, कोरोना क्यों ना घुसे आपके घर में, ये कोरोना चाह रहा था और आपने मौका दे दिया। ये कॉस्मेटिक की दुकानें हैं भीड़ भरे बाजार में कोरोना को निमंत्रण देती, ये जनता दरभंगा की है। देश के आलोक में हम सभी लोग मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो दुकान वाले या ठेला वाले पिज्जा वाले मास्क नहीं लगा उनके ऊपर 50% का जुर्माना कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, कल से अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग दुकान भी बंद कराएंगे। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। कोरोना का कहर जारी, सोमवार को 18 कोरोना पॉजिटिव, 2 की हुई मौत, 10 हो गई संख्या मृतक की, संक्रमित की संख्या 365। जिलाधिकारी ने शहर में बढ़ते संक्रमण को लेके कड़े निर्णय का दिया संकेत। प्रथम चरण में जिला के सभी मॉल सहित बड़ा बाजार, दोनार, बेता, दरभंगा टावर का प्रभावित इलाका सील के साथ सख्ती। दोनों मॉल पहले से ही है सील, शेष मॉल बंद करने का आदेश। बिना मास्क पहने निकले तो खैर नहीं, शहर से लेकर गांव तक में सख्ती। मास्क के जुर्माना के साथ गाड़ियों का जुर्माना भी लगेगा, दुकानदार की गलती पर दुकान बंद करने का आदेश। बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। जी हाँ, बाढ़ का पानी फैलने से कुशेश्वर स्थान के गांव और पंचायत का सड़क संपर्क टूट गया है। गांव के लोग नाव के सहारे ही आने जाने को मजबूर हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां सड़क अब बंदरगाह में तब्दील हो गया है। इन सड़कों के किनारे बाढ़ के पानी में कई नाव लगती है, जिसके सहारे लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इन इलाकों में कई जगहों पर ऐसी तस्वीर देखने से बंदरगाह जैसा दृश्य नजर आता। कुशेश्वर स्थान इलाके में बाढ़ का पानी फैलने से कई गांव और पंचायत का सड़क संपर्क टूट गया है। ऐसे में गांव के लोग नाव के सहारे ही आने जाने को मजबूर हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वही सड़क अब बंदरगाह में बदल गया है। इन सड़कों के किनारे बाढ़ के पानी में कई नाव लगती है, जिनके सहारे लोग रोजमर्रा की जरूरत पूरे करते हैं। इन इलाकों में कई जगहों पर ऐसी तस्वीर आम हो गई है। ऐसे में बाढ़ का पानी इलाके में फैला तो नए नाव की मांग भी बढ़ने लगी। कुछ जगहों पर नए नाव का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। नाव निर्माण करने वाले एक कारीगर तकरीबन 15 से 20 नाव का निर्माण कर लेते हैं। बाढ़ के समय लोग नाव भी खरीदने पहुंच रहे हैं। एक नाव की कीमत तकरीबन 20,000 से लेकर 50,000 तक होती है। जिनकी जैसी हैसियत उसके अनुसार नाव खरीद कर लोग ले जा रहे हैं।
यह बताना जरूरी है कि पूरा इलाका तकरीबन 5 से 6 माह तक पानी में डूबा होता है। ऐसे में तकरीबन यहाँ रहने वाले सभी लोग संपन्न लोग अपनी नाव खरीद कर जरूर रखते हैं ताकि पानी के समय किसी सरकारी आस का भरोसा न रहे और उन्हें आवाजाही में कोई परेशानी न हो। यहाँ खेती बाड़ी से लेकर डॉक्टरी जरूरत भी नाव ही काम आते हैं। इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए नाव जरूरी भी है और कहें तो मजबूरी भी है। कुछ लोगों का तो नाव ही यहाँ रोजगार भी है। वैसे गरीब लोग जो नाव नहीं खरीद सकते वे महज कुछ पैसे खर्च कर भाड़ी के नाव से सफर करने को मजबूर होते हैं। बाढ़ भले ही ज्यादातर लोगों के लिए परेशानी का सबब है, वहीं नाव बनाने के काम से जुड़े लोगों के लिए मोटी कमाई का यह सीजन माना जाता है और यही कारण है कि बाढ़ आते ही लोग नाव बनाने के काम में जुट जाते हैं और कई लोगों को गांव में ही नाव बनाने का काम भी मिल जाता है। यह एक मौसमी रोजगार के रूप में यहाँ ठीक ठाक व्यापार के रूप में फल रहा है। 6 महीने बाढ़ और बाढ़ में खतरा और उस खतरे के बीच में डगमग डोलती नाव और नाव पर सवार जिंदगी। यहाँ एक रोजगार भी बन गया नाव का साधन कि नाव बनाइए, नाव बेचिए और 6 महीने पानी में डूबे रहिए, जिंदगी इसी का नाम है। और अभी हम मार्केट गए हुए थे सामान के लिए, रोजमर्रा के सामान के लिए, और यहाँ से आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है हम लोग को। नाव के माध्यम से आना पड़ता है और जबकि नाव से आधा घंटा एक घंटा लगता है आने में, और वेट भी करना पड़ता है नाव के लिए। और इस हम लोग को इस सरकार की तरफ से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है नाव का। हर आदमी अपना अपना घर में सब आदमी लाभ बना कर स्टोव रखते हैं। हर आदमी अपना लाभ देते हैं, हर आदमी घर पीछा एक लाभ को ले कर रखता है, उससे गुजर बसर करते हैं। कितना नाव बेच लेते हैं लगभग प्रतिवर्ष? 10-20 लाख बेच लेते हैं एक परिवार में। कितने लोग यहाँ लगभग नाव बनाने में लग जाते हैं? करीब करीब देखिए 10-20 घर है, हर गांव में है। जैसे बिशुनिया हुआ, धवलिया हुआ, इठहर हुआ, पकड़िया, सब नाव बना कर बेचते हैं। सब लोग लाभ बना जीते हैं, बेहरा हुआ हर जगह। कितना दिन ये बनाने का धंधा चलता है? 3 से 4 महीना, 2 महीना बहुत हो गया। तो इस कमाई से आप लोग का 6 महीना बहुत हो गया गुजर बसर, उसके बाद बैठे रहते हैं। जिस तरह गुजर बसर होता उस तरह अपना दिक्कत से। फिर बाढ़ चले जाती है तो नाव को क्या करते हैं आप लोग? बाढ़ चलते हैं जो लाभ यहाँ नहीं है बिक्री यहाँ नहीं, उस लाभ को रख देते हैं, फिर भी अपना पोखरा कर देते हैं स्टोव, फिर लाभ बिकेगा अगला साल। क्या नाम? जो लाभ बनाते हैं अपना उसी जगह 100-150 रुपया रोज मिलता है। मजदूर आदमी हम क्या कर सकते हैं? है? कितना दिन तक नाव बनाते? एक महीना से फाजिल नहीं सर। क्या एक महीना लगातार आपको काम मिलता है? हाँ, एक महीना लगातार काम मिलता है। हाँ, वैसे फाजिल नहीं मिलता है सर, क्या करेंगे। कितना नाव बना लेते हैं आप एक महीना? 10-12 गो। और मजदूर सब भी काम करता है? हाँ, और मजदूर सब करता है सर। हम विकलांग आदमी कहाँ जा सकता है? मान लिया एतेक पानी आबे हरेक साल, बहुत क्षति होइ छै। हमरा सबके मवेशी के खोराकी नहि जुमि रहल छै, आदमी के भी दिक्कत होइ छै। मनुष्य के जतेक छै कोनो गाँव जाइ छै बिना नाव से नहि जा होइ छै। सरकारी स्तर पर हमरा सबके नाव नहि मिलैए और सबके जे छै से दिक्कत होइ छै। कहें डॉक्टरी इलाज होइ छै तऽ बिना नाव से नहि होइ छै, तऽ नाव तऽ मिलल हँ नहि हमरा सबके सरकारी नाव। इसलिए आप लोग नाव का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं? जी, नाव का भी निर्माण कर रहे हैं, नाव खरीद कर लेकर जा रहे हैं, नाव से घूमना पड़ता है, अपना पूंजी लगा रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से इस समय जुलाई महीना से आदमी का आने जाने का एकमात्र साधन नाव ही रह जाता है, और नाव जो बनाने वाले हमारे यहाँ कलाकार हैं, एक संप्रदाय जो शर्मा जी कहे जाते हैं, वो लोग नाव बनाते हैं, और उन परिवारों का इस समय नाव बिक्री करके ही उनका पूरा परिवार का भरण पोषण का कार्य होता है, और काफ़ी मात्रा में यहाँ नाव इनका बनाया जाता है और बिक्री होता है।
और लगभग हमारे पूर्वी प्रखंड में जितने भी हमारे बाढ़ इलाका का आदमी हैं, प्रत्येक घर में एक नाव खरीदना अनिवार्य रूप से माना जाता है। क्योंकि हम लोग का जो फसल है वो भी नाव से ही ढुआई करके कमला बलान बांध तक लाते हैं, इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे मार्केट में ले जाते हैं। नाव से ही हम पशु का और मवेशी का चारा भी लाते हैं। नाव के अलावा यहाँ कोई दूसरा साधन नहीं है। बात करते हैं सावन और पहली सोमवारी की। विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने का दृश्य, हालांकि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने एक दिन पहले ही सूचना दे दी थी, मीडिया के माध्यम से प्रचार करवाया कि आप मंदिर में भीड़ नहीं लगाएं, कोई आयोजन नहीं करें, सोमवारी मेला नहीं लगेगा और कतारबद्ध होकर सोशल डिस्टेंस के सहारे ही विभिन्न नियमों के तहत मंदिर में जाएं। सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालु राज परिसर स्थित माधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचते रहे पूजा करने, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए मेन गेट में ही ताला जड़ दिया गया था, जिससे वापस ही उन्हें लौटना पड़ा। वे बाहर ही पूजा पाठ किए और बेरंग वापस लौट गए। मालूम रहे कि धार्मिक न्यास समिति और जिला प्रशासन के संयुक्त आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस माह में और विशेष सावधानी बरतने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मास्क पहनकर ही मंदिर में आएं और मंदिर में रहने के दौरान लगातार मास्क लगाए रहें। मंदिर में प्रवेश के पूर्व अपना हाथ साबुन हैंड वॉश से सैनिटाइज करें। पूजा के दौरान पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और पूर्व से श्रद्धालुओं के रहने पर अपनी बारी का इंतजार करें। भगवान के मूर्ति आस्था स्थल को न छुएं। फूल जल चढ़ाना भी हो तो 2-3 फीट की दूरी से चढ़ाएं और जल फूल अपने बर्तन में लाएं। मंदिर से लेकर टीका नहीं लगाना है। मंदिर में स्थित घंटा नहीं बजाना है। मंदिर के अंदर पांव जमीन पर रखने के अलावा किसी मूर्ति वस्तु दीवार इत्यादि जगह को स्पर्श नहीं करना है। मंदिर में प्रसाद चढ़ाना मना किया गया। 65 वर्ष के ऊपर के लोग, बीमार, गर्भवती महिला श्रद्धालुओं को मंदिर में नहीं आने की सलाह दी गई। मंदिर और मंदिर परिसर में किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन अनुष्ठान पर रोक है। ऐसे आयोजन प्रतिबंधित किए गए हैं। मंदिर प्रांगण में केवल दर्शन की अनुमति दी गई है। सावन में भी सोमवारी या अन्य कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं हम आपको लहरिया साय शिव मंदिर लिए चलते हैं, जहां नए तरीके से भगवान का पूजन भी हुआ, जलाभिषेक भी हुआ और लोग दर्शन के साथ साथ पूरे धार्मिक अनुष्ठान से पूजा पाठ भी किए। मंदिर के अंदर शिवलिंग तक लगभग 20 से 25 फीट लंबा और लगभग 1 फीट चौड़ा टीना बनाकर जलाभिषेक करने के लिए लगाया गया था, जहां मंदिर के बाहर से ही इस टीने पर जल पुष्प इत्यादि डाला जाता था और वहीं से सीधे शिवलिंग पर जाकर गिरता था। जिस मंदिर में हजारों या सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ा करती थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर मंदिर में दर्जनों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए, वह भी बहुत कम भीड़ देखी गई। हालांकि व्यवस्था यहां अच्छी रही, जिससे लोग मंदिर के शिवलिंग को छू तो नहीं सके, दर्शन किए और जल भी चढ़ाया। नटराज डांस एकेडमी ने सफलतापूर्वक 14 साल पूरा किया। नटराज डांस एकेडमी ने सफलतापूर्वक 14 साल पूरे किए। वर्षगांठ का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, विधायक संजय सरावगी, महापौर बैजंती देवी खेरिया, पूर्व अध्यक्ष मैथिली एकेडमी कमलाकांत झा ने अपनी शुभकामना संदेश दिए। नटराज डांस एकेडमी जो दरभंगा जिला के अंदर संचालित है, इसके डांस जो सिखाते हैं मोहित खंडेलवाल जी, मैं इनके एकेडमी को 14 साल पूरे होने पर ढेर सारा शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि सिर्फ 14 साल ही नहीं बल्कि वर्षों बरस तक इनका एकेडमी अच्छे से चले और
कई बार हमको जाने का मौका मिला है इनके अकेडमी में, और इनके द्वारा खास करके जो सिखाए जा रहे हैं बच्चों को डांस, ये तो प्रतिभाशाली कलाकार है ही, इनके द्वारा सिखाए गए बच्चे भी कम प्रतिभाशाली नहीं हैं। उनके अभी कई बार प्रदर्शन देखने को मिला है और उसी से पता चलता है कि इन्होंने कितना मेहनत किया है। नागेंद्र कुमार गुप्ता जनसंपर्क उप निदेशक बने हैं दरभंगा के, उन्होंने पदभार ग्रहण किया, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। एक सप्ताह पहले जिला जनसंपर्क पदाधिकारी यहाँ से सेवानिवृत्त हुए। नागेंद्र कुमार गुप्ता उप जनसंपर्क निदेशक ने अपना पदभार ग्रहण किया, उन्हें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी समाजसेवी राम बाबू प्रसाद, जिनका रहमगंज स्थित आवास था, रजनीश कॉम्प्लेक्स के मालिक, गोल्ड हाउस ज्वेलर्स के मालिक नहीं रहे। अकस्मात सोमवार की देर शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जाता है कि वो दो दिन से बीमार थे, हृदयाघात के बाद उनकी अकस्मात मौत हो गई। इस खबर की सूचना मिलते ही लोग उनके घर की ओर श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार जा रहे हैं। देर शाम लगभग 7 बजे सोमवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। रामबाबू प्रसाद सामाजिक सरोकार से भी जुड़े रहे। रामबाबू प्रसाद गोल्ड हाउस ज्वेलर्स के मालिक, बाकरगंज में जिनकी दुकान थी, प्रसिद्ध दुकान, इसके अलावा अन्य कई सामाजिक संगठनों से वे लगातार वर्षों से जुड़े रहे। और लाइट हाउस सिनेमा जो रजनीश कॉम्प्लेक्स था, उन्होंने एक नया व्यापार पिछले एक दशक से शुरू किया था और इसे एक नया रूप दिया था। देर शाम रहमगंज में उनकी मौत हो गई और उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर है, जहां श्रद्धांजलि देने वाले लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर वहां जुट रहे हैं। ये सूचना BTN न्यूज को मिली। समाचार कंपोज किए जाने के समय पुनः बता दें, राम बाबू प्रसाद गोल्ड हाउस ज्वेलर्स और रजनीश कॉम्प्लेक्स के मालिक नहीं रहे। सोमवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। रामबाग में भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने एवं देश की एकता के लिए त्याग समर्पण और बलिदान किया। इस अवसर पर अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। कोरोना का कहर जारी। सोमवार को 18 कोरोना पॉजिटिव, 2 की हुई मौत, 10 हो गई संख्या मृतक की, संक्रमित की संख्या 365। जिलाधिकारी ने शहर में बढ़ते संक्रमण को लेकर कड़े निर्णय का दिया संकेत। प्रथम चरण में जिला के सभी मॉल सहित बड़ा बाजार, दोनार, बेता, दरभंगा टावर का प्रभावित इलाका सील के साथ सख्ती। दोनों मॉल पहले से ही है सील, शेष मॉल बंद करने का आदेश। बिना मास्क पहने निकले तो खैर नहीं, शहर से लेकर गांव तक में सख्ती। मास्क के जुर्माना के साथ गाड़ियों का जुर्माना भी लगेगा। दुकानदार की गलती पर दुकान बंद करने का आदेश। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, अपना ख्याल जरूर रखिए। कोरोना को हराना है, भगाना है, गंभीर से इस पर चिंतन करना है। अपने अपने शुभचिंतकों को मास्क लगाने पर ही बाहर जाने दीजिए, जब जरूरत हो तभी घर से निकले।